इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोयटा में बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तिना के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान सदोज़ई से। इरफान बताइएगा। जी, हमारे ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोयटा में बलदियाती इंतखाबात के तहत जिसके ऑर्डर पर उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है और उसने ये कहा है कि बलोचिस्तान में जो इंतखाबात है जिन मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं जबकि कोयटा में जो इंतखाबात है वो नहीं हो सके, जो इंतहाई जरूरी है इनका जल्द अज जल्द इनका मुमकिन बनाया जाए ताकि इंतजार जो है वो अवामी नुमाइंदों के खुद किया जाए और ताकि जो इंतजाम है वो बेहतर तरीके से चल सके। इसके अलावा हमारे जराये ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिला कोयटा की लोकल काउंसिल की हल्का बंदी थी वो 11 सितंबर 2023 को मुकम्मल कर ली थी और इसके बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो भी 19 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। तहम बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने 2 रिट पिटीशन में 30 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन शेड्यूल पर हुक्म इंतराई दिया था और जिसके जो आखिरी समाप्त हुई थी वो 25 जुलाई 2024 को मुकर की गई थी। हमारे ग्राय के मुताबिक इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने समाप्त की जो फौरी है कहा गया है कि जो समाप्त है वो फौरी तौर पर मुकर की जाए ताकि जल्द अज जल्द इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए और कोयटा में बलदियाती इंतखाबात का इनका किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर